मध्य प्रदेश में चुनावों का दौर चल रहा है और इन चुनावों से कुछ मजेदार कहानियां भी बाहर आ रही हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति अनवर कप्तान है जो जेल में बंद होने के बावजूद सरपंच का चुनाव जीत जाता है। उज्जैन जिले से 50 किलोमीटर दूर बड़नगर जनपद के गांव झलरिया के अनवर कप्तान गत 4 जून से जमीन विवाद के मामले में बड़नगर की जेल में बंद है। उसके पिछले कार्यकाल को देखते हुए गांव की जनता ने सरपंच चुन लिया। पंचायत चुनाव के नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 6 जून को थी और जमीन विवाद मामले में अनवर को न्यायालय ने 4 जून को जेल भेज दिया था, लेकिन इससे पहले उसने अपना नामांकन जमा कर लिया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर अनवर कप्तान कैसे जेल में बंद होने के बावजूद सरपंच का चुनाव जीता। 25 जून को हुई वोटिंग और काउंटिंग में जेल में बंद अनवर कप्तान ने जीत हासिल की। अनवर ने जेल जाने से पूर्व ही नामांकन दाखिल कर दिया था। जेल जाने के कारण अनवर प्रचार प्रसार भी नहीं कर सका, मगर जनता ने उसके पिछले कार्यकाल को देखते हुए उसे 81 वोट से जिताया। अनवर एक कबड्डी का खिलाड़ी है और उसने अपने पिछले कार्यकाल में ग्राम पंचायत में कबड्डी प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी और गांव का नाम रोशन किया था। साथ ही अनवर ने विकास के भी कार्य किए थे, जिसको देखते हुए मतदाताओं ने उसे विजयी बनाया। जेल में बंद होने के बावजूद अनवर ने अपने लोगों पर से विश्वास नहीं खोया और अनवर दोबारा सरपंच बन गया।